गाइस, जैसे विंटर आ गया है तो विंटर में बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, तो आज हम लोग जाएंगे एक फैशन शो कवर करने के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉटन ट्रायल बाजार का फैशन शो हो रहा है रेडिसन होटल में, जो है प्रीव्यू शो ऑफ लैक्मे फैशन वीक। तो मेरे ब्रदर ने मुझे इन्वाइट किया हुआ है, तो चलिए और देखते हैं बहुत अमेजिंग सा फैशन शो, बिकॉज बहुत सारे फेमस फैशन डिजाइनर्स आए हुए हैं वहाँ पर और साथ में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स भी है। तो लेट नहीं करते और डायरेक्ट चलते हैं रेडिसन होटल और चेकआउट करते हैं फैशन शो। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ रेडिसन होटल में, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बिकॉज मैं जे का वेट कर रहा था, बट जे आया नहीं, उसको कुछ काम से बिजी हो गया था। जल्दी से चलते और देखते फैशन शो। With fashion for good while sitting under a tree, am I right? Yes, greetings from Auroville. I live a farmers and led 600 farmers in Tamil Nadu in Madurai area for to go organic in 2007. Everything has been done with local support. All our models are from Nagpur and the entire team, and this wouldn't have been possible without the generous support of CNA Foundation. So may I please invite Anita Chester and Lakshmi Poti to join us for the guys. हमारे साथ है प्रशांत जी, तो ये बिजनेस करते हैं, ये जितने भी कॉटन की चीज़ें हैं 100% कॉटन से बनी हुई, स्पेशली जो फार्मर लोग कॉटन प्रोड्यूस करते हैं उससे बनता है। तो प्रशांत जी, थोड़ा हमें बताइए कि किस किस टाइप के क्लॉथ्स रहते हैं आपके पास और कैसे मटेरियल्स रहते हैं। जी, हमारा तो पहले शुरू होता है कि फार्मर्स से, शुरू में हम लोग फार्मर्स को सीड बैंक से, हमारे ऑर्गेनिक, तो सीड बैंक से हम ऑर्गेनिक बीज देते हैं और फिर वो लोग ऑर्गेनिक कपास उगाते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं कि 100% आप ऑर्गेनिक कपास ही उगाइए। उसके बाद में जब ऑर्गेनिक कपास कम्प्लीटली हो जाता है तो उस पर हम लोग ऑर्गेनिक कलर्स करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऑर्गेनिक कपास बनाने से लेके तो कपड़ा बनने तक की पूरी प्रक्रिया हैंडिंग होती है। अच्छा अच्छा। तो इसमें पहले तो फार्मर्स को 25% एक्स्ट्रा मिल जाता है कि जो बाजार भाव होता है उससे 25% हम एक्स्ट्रा देते हैं। सेकंड कटाई, बुनाई, फिर रंगाई, ये सब कुछ हाथ से बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें सब लोगों को लेबरिंग पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो किस किस टाइप के क्लॉथ्स रहते हैं बेसिकली, मतलब क्या क्या चीज़ें बनती हैं? हमारे यहाँ फर्स्ट तो आता है सिम लाइन का। सिम लाइन माने वे जो वाइट वॉश करते समय जो वेस्टेज ब्रश होता है, वो ब्रश को लोग फेंक देते हैं, हम उसे कनेक्ट करके उस वाइट इस ब्रश से हम लोग ये आयरन, अच्छा अच्छा, उसको आयरन वाटर में डाल के फिर हम लोग एक कसीम लाइन निकालते हैं। सेकंड एक नया फार्मूला निकाला है हम लोगों ने, लिप प्रिंट का। अच्छा, ये जो दिख रहा है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ये जो है लिप प्रिंट, ये हमारे यहाँ की महिलाएं बनाती है। लिप प्रिंट का एक होता है कि लायू लिप को आयरन वाटर में डाल के पुश किया जाता है। अच्छा। 200 बार जब पुश किया जाता है तब जाके एक साड़ी तैयार होती है। अच्छा, ये अच्छा, आप देख सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो ये इंडिया में कहीं नहीं होता है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तो ये कहाँ का प्रोडक्शन यूनिट का? ये मगन संग्रहालय समिति वर्धा में ये स्थापित है। अच्छा अच्छा, वर्धा में। हाँ हाँ। तो ये बेसिकली 1938 से स्टार्ट है। हाँ, तो अभी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होने हो रहे हैं, डे बाई डे नई चीजें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम लोग वही रिसर्च करते हैं। हमारे HOD है मुकेश जी दुतड़े, जो कि हर इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें फर्स्ट है लिप प्रिंट किया है, उसके बाद में हम लोग इंडिया में फर्स्ट पहली बार खादी टी शर्ट्स लॉन्चिंग हुआ है। अच्छा। खादी जिसके मेटिंग, मेटी की वीविंग कहते हैं, तो इंडिया में पहली बार खादी टी शर्ट्स तैयार हुआ है, तो ये मगन संग्रहालय ने तैयार किया। अच्छा।
एक बार अगर ये टी शर्ट पहन ले तो इतना कम्फर्ट है कि आप भूल ही जाएंगे मार्केट का पूरा टी शर्ट। सो थैंक्स अ लॉट प्रशांत जी, आपने हमारे साथ लाइक बातें की और अच्छे से हमें समझाया ये सब चीज़ें, बिकॉज ऐसे जो सोशल कॉज है उसके लिए बढ़ावा मिलना चाहिए। तो अगर आप लोग को भी कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं प्रशांत जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, वी गॉट डिज़ाइनर गौतम वजीरानी। तो सर, आज का जो शो हुआ बहुत ही अमेजिंग था, तो आप थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग में बताएंगे। तो सबसे पहले कि मैं तो हूँ लैक्मे फैशन वीक का सस्टेनेबल फैशन क्यूरेटर। सस्टेनेबल फैशन का मतलब वो फैशन होता है जिससे हमारी प्रकृति, हमारे लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट हो। बिकॉज फैशन, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फैशन हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। फैशन की वजह से बहुत सारा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है। तो आज जो हमने किया यहाँ पर नागपुर में, वो हमने इस तरह से किया कि हमने तीन सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स का एक फैशन शोकेस किया, और उसके साथ हमने एक डायलॉग किया जहाँ पर जो ये डिज़ाइनर्स हैं इन ब्रांड्स के, उन्होंने आके बात किया और समझाया कि वो क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो तमिलनाडु से दो ब्रांड्स थे, दिल्ली से एक ब्रांड है, और ये सब को एक चीज़ इन सबको बाइंड करती है साथ में, वो ये है कि ये सबको कॉटन या कपास के साथ जो है एक तरह से ये लोग सब जुड़े हुए हैं। तो कॉटन कपास जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे फार्मर्स हैं इससे एसोसिएटेड। और यहाँ पे हमने एक तरह का डायलॉग किया जिसमें उन्होंने समझाया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से चेंज ला रहे हैं, इसको बेटर बना रहे हैं फैशन इंडस्ट्री को, अपना एक खादी कॉटन और ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करके। अच्छा, थैंक्स अ लॉट सर कि आपने इतना अच्छे से बताया, और ये एक सोशल कॉज टाइप का रहता है, जैसे हमारे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो बहुत अच्छा आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपने जो इनिशिएटिव लिया उस चीज़ के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट हमसे बात करने के लिए। नॉट एट ऑल, माय प्लेजर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बिकॉज सारी चीज़ें इंडियन एंड ट्रेडिशनल चीज़ें थी, एंड स्पेशली जो फार्मर्स हैं जिनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और ये कपास उगा के उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और साथ ही में उनकी अर्निंग भी बढ़ गई है, और ये एक बहुत अच्छा सोशल कॉज है। तो हम सबको मिलके इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, एंड ताकि जितने भी फार्मर्स और जुड़ना चाहते हैं इस कॉज के साथ तो जुड़ सके। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one piece.